हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी रशियन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मुझे पता है मैंने आपको 10 चैप्टर भी करा दिया एंड हमने अभी 11 स्टार्ट करना था, पर गाइस जो ये लेसन नंबर 8 था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल तो उसमें मैंने मिड टर्म में स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से मैं ये चैप्टर आपको नहीं करा पाई थी। सो गाइस, अब हम इसको कर लेते हैं चैप्टर को। एंड वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम लेक्चर्स में इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद हमें इसकी रिवीजन भी करनी है एंड वो क्वेश्चंस भी देखने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारा फर्स्ट आ जाता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो गाइज, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि जो एयर होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, आर्गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मतलब उसमें वेरियस ऑफ गैसेस आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखा है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, कि जो एयर मूव करती है वो विंड होती है। सो गाइज, अब जो विंड है वो फॉर्म कैसे होती है? सो गाइज, विंड फॉर्म होती है जब आपकी अर्थ अनइवनली हीट होती है। अब गाइज, अनइवनली हीट का क्या मीनिंग हुआ कि मीन्स एक जगह लो प्रेशर एंड एक जगह हाई प्रेशर। सो गाइज, जब मैंने आपको ज्योग्राफी का एयर चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी ये चीज़ें बताई थी। सो गाइज, हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं, लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, मतलब जब एक बहुत सारी सन की हीट जब एक सरफेस पर पड़ती रहती है, ठीक है, मीन्स जैसे देखो इधर सन है एंड जो इसकी जितनी भी रेज है वो इधर पड़ रही है, ठीक है, जितनी भी रेज है वो नीचे पड़ रही है। सो गाइस, जिस एरिया पे सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। अब उस जो सरफेस है उसके ऊपर जितनी भी एयर होगी वो भी सारी वार्म हो जाएगी, एंड जब वो वार्म होगी तो वो ऊपर की तरफ चल जाएगी। मीन्स जो वार्म एयर होती है वो हमेशा वेट में लाइट होती है एंड वो ऊपर की तरफ जाती है। मीन्स जहाँ पर जगह हीट है, मीन्स जहाँ पर एयर हीट है, वार्म है, तो वो ऊपर जाएगी। अब जब वो ऊपर जाएगी मीन्स उधर एयर, अब उधर एयर नहीं होगी, क्योंकि एयर तो होगी बट लेकिन जितनी भी वार्म एयर थी तो उधर लो प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे? क्योंकि जितनी भी वार्म एयर थी वो एरिया वार्म है, तो उसके ऊपर जितनी भी उसके ऊपर एयर आएगी वो सारी वार्म हो जाएगी। अब जब वार्म हो जाएगी तो वो ऊपर चली जाएगी, मीन्स राइज अप हो जाएगी, वो राइज हो जाएगी, तो वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। पहले वो नीचे होगी, जब उस पर डायरेक्टली इतनी सन रेज पड़ रही है, वो जब वो हीट हो रही है तो उसकी वजह से वो वार्म एयर बन जाएगी। अब वार्म एयर लाइट होती है वेट में, तो वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगी। सो ठीक है, जब पता चल गया लो प्रेशर वहाँ पर ही क्रिएट होगा, जहाँ पर वार्म एयर राइज अप हुई ना, जहाँ पर वार्म एयर ऊपर चली गई वहाँ पर ही लो प्रेशर एरिया होगा, ठीक है, वहाँ पर ही लो प्रेशर क्रिएट होगा। एंड अब आ जाते हैं, लो प्रेशर तो हमने कर लिया, अब आ जाते हैं हम हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। सो गाइस, हाई प्रेशर में होता है, देखो लो प्रेशर में वार्म एयर होती है एंड हाई प्रेशर में कोल्ड एयर होती है, ठीक है। अब कोई एरिया है उधर सनरेज पड़ ही नहीं रही है, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चलो उसकी एग्जाम्पल छोड़ो, हम एक स्टेट ले लेते हैं, वो आ जाती है कश्मीर, ठीक है, हम कश्मीर लेते हैं। जो कश्मीर का जितना भी एरिया होगा उधर सनरेज बहुत ही कम पड़ रही है, ठीक है। अब गैस उधर सनरेज बहुत कम पड़ रही है तो उधर की जितनी भी एयर होगी वो सारी कोल्ड होगी, क्योंकि एयर वार्म बनाती है, मीन जो सन एयर वार्म नहीं बनाती, जो सनरेज होती है वो एयर को वार्म बनाती है। पर जब उधर सनरेज ही इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच रही है तो मीन्स जो भी उधर एयर होगी वो ठंडी होगी, ठंडी होगी मीन्स उसका वेट ज़्यादा होगा। अब जब उसका ठंडी है उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो ज़मीन पे होगी। ज़मीन देखो जब वार्म एयर होती है तो वो ऊपर चल जाती है, लेकिन जो कोल्ड एयर होगी वो वेट उसमें वो हैवी होगी। अब हैवी होने के कारण वो ज़मीन के मतलब जहाँ पर उसकी पोजिशन होगी ना वो उधर ही रहेगी, मीन्स वो ऊपर की तरफ जाएगी। जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ चल जाती है, पर लेकिन जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, जिसके कारण वो नीचे ही रहती है, वो ऊपर की तरफ नहीं जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर जो कोल्ड एयर नीचे रहती है ना उधर क्या कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? हाई प्रेशर, ठीक है। पता चल गया लो प्रेशर का क्या होता है एंड हाई प्रेशर क्या होता है। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हमने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो गाइस इस पॉइंट पे मैंने वही लिखा है कि जो सन होता है उसके कारण एयर हीट होती है एंड जब एयर हीट होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, एंड जो कोल्ड एयर होती है जहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती हैं वो नीचे ही रहती हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं जाती है, जिसके कारण उधर हाई प्रेशर होता है, ठीक है।
सो गाइस जितना भी लो प्रेशर, अब आपको पता है विंड जो भी एयर होती है वो कैसे मूव करती है, एयर होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, ठीक है, पर चल गया वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की एरिया, लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। कि मतलब अब आपको जब समर होते हैं इंडिया में, जब इंडिया में समर्स होते हैं तो जितने भी हमारी इंडिया में जितनी भी लैंड हो, जब इंडिया में समर होता है, ठीक है, इंडिया में जब गर्मियों का मौसम होता है तो जितनी भी एयर होती है लैंड पे वो हीट अप हो जाती है एंड वो राइज अप हो जाती है, ठीक है, हीट हो जाती है एंड राइज अप हो जाती है, ठीक है। जब वो राइज हो जाती है तो जो होता है सी वाला एरिया होता है या ओशन, जहाँ पर भी वाटर बॉडी वाला जो एरिया होता है ना, उधर की जितनी भी एयर होगी वो कोल्ड होगी, ठीक है, उधर की जितनी भी एयर कोल्ड होगी तो जो उधर जो वार्म एयर का था ना, जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, तो वो लो प्रेशर एरिया उस कोल्ड एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो कोल्ड एयर उधर कोल्ड एयर लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेगी, इसी कारण समर के बाद मॉनसून आता है, ये पता चल गया। एंड गाइस जब हम विंड की बात कर रहे थे, विंड कैसे फॉर्म होते हैं, तो यही चीज़ है इधर भी, कि जब उस लो प्रेशर एरिया ने उस कोल्ड एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो उस कोल्ड एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, तो वो विंड, तो जो एयर थी वो उधर आई। अब जब वो एयर मूव हुई हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उस चीज को हम विंड कहेंगे, ठीक है, पता चल गया विंड कैसे फॉर्म होती है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, द कॉन्टिन्यूस फिजिकल फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन समथिंग कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इट कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। सो गाइज इधर क्या बोल रहे हैं कि जो भी फिजिक जितने मतलब इस गाइज इधर ना एयर प्रेशर की बात हो रही है, तो एयर प्रेशर की मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल बताती हूँ, एयर प्रेशर में सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। जितना भी एयर का जितना भी प्रेशर होता है जब वो लैंड पे एग्जर्ट होता है, मीन्स एयर प्रेशर एग्जर्टेड बाय लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, एयर प्रेशर प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, ठीक है, मतलब जितना भी एयर जितना भी प्रेशर है वो एग्जर्ट करिए लैंड के ऊपर, मतलब एयर जितना भी प्रेशर लैंड के ऊपर एग्जर्ट करेगी उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, एयर प्रेशर, क्योंकि जितना भी प्रेशर एग्जर्ट कौन कर रहा है, एयर कर रही है प्रेशर, ठीक है। उस इधर भी हम यही चीज बोल रहे हैं कि जब द कॉन्टिन्यूस फिजिकल फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि मतलब देखो अब इसको आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप बाईसाइकिल राइड करते हो, तो अब देखो अब जो विंड है वो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, विंड आ रही है इस तरफ, एंड जो आप साइकिल चला रहे हो आप इस तरफ चला रहे हो, मीन्स विंड इस तरफ आ रही है साइकिल आप इस तरफ चला रहे हो, जो विंड इस तरफ आ रही है साइकिल इस तरफ चला रहे हो, मीन्स आप विंड की अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो साइकिल, ठीक है। तो जब आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाओगे ना, तो आप साइकिल चलाने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आपको ऐसे लगेगा कि कोई फोर्स कर रहा है आपको कि पीछे जा पीछे जा, ठीक है। वही चीज़ आ जाती है कि जब आपको फोर्स आ रही है, जो फोर्स आ रही है ना वो क्या है, एयर प्रेशर, ठीक है, वो एयर आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है पीछे जाने के लिए, ठीक है। सो गाइस पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का करते हैं, ठीक है। सो गाइस चलो अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस इस पॉइंट में हमने बताया जो कि ये मतलब जो भी हमारी विंड है ना, जो एयर प्रेशर है, विंड नहीं एयर प्रेशर है, जो वो पता है वो वेदर में भी हेल्प करता है, कि मीन्स जो एयर प्रेशर की वजह से ही सारी वेदर चीज वेदर में जितनी भी एयर की जितनी मूवमेंट्स होती है ना वो एयर प्रेशर की वजह से होती हैं, वेदर एयर प्रेशर की वजह से होते हैं, मतलब जो एयर की मूवमेंट क्या हो गई, जो कि मतलब डाउनवर्ड जा रही है अपवर्ड जा रही है, वो एयर की मूवमेंट हो रही है ना वो एयर प्रेशर की वजह से हो रही है, ये जो वेदर चेंज होते हैं वो भी एयर प्रेशर की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ये पर एयर प्रेशर कब होता है, मतलब एयर प्रेशर भी आपको समझ जो ना कि जब वो अलग अलग प्रेशर होते हैं, अनइवन हीटिंग होते हैं, मीन्स एक जगह लो है एक जगह हाई है, तो विंड मूव करती है। अब विंड में भी क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, एयर प्रेशर, ठीक है। सो ये जो एयर प्रेशर होता है ना, उसी की वजह से वेदर में चेंजेस आते हैं, उसी की वजह से एयर मूव करती है, एंड उसी की वजह से क्लियर स्काई होता है, सनी सनी डे होता है, और क्लाउडी डे भी उसी की वजह से होती है, ठीक है। ये सब जो हो रहे हैं ना, ये मूवमेंट्स हो रही हैं एयर की, वेदर हो रहे हैं, ये सब कुछ एयर प्रेशर की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो गाइस इसमें एक और चीज़ है कि मतलब
जो भी वेदर फॉरकास्टिंग होती है ना, लोग बता सेटेलाइट्स होती हैं जो जिससे हमें पता चलता है सब कुछ कि आज वेदर ये होगा आज उधर, बहुत सारे बहुत बार हमें वार्निंग्स भी मिलते हैं कि इधर साइक्लोन आ सकता है, इधर साइक्लोन आ सकता है, इधर स्टॉर्म आ सकता है, इधर इधर कुछ नेचुरल डिजास्टर अकर हो सकता है, ये सब चीज़ें जो हमें बहुत बार वेदर फॉरकास्टिंग से हमें पता चलती हैं चीज़ें। बट गाइस ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही वेदर फॉरकास्टिंग ठीक हो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बोलते हैं वो वार्निंग तो देते हैं अपने से, वो वार्निंग दे रहे हैं कि आ सकता है, पर लेकिन बहुत बार होता है कि कभी हाँ बोलते हैं कि हाँ आने वाला है वेदर फॉरकास्टिंग में, हमें न्यूज़ में पता चल जाता है कि इधर आने वाला है, बट होता है कभी कभार कि नहीं आता, उधर बिल्कुल क्लियर स्काई होता है। और गाइस कभी ना हमें इन वेदर फॉरकास्टिंग जो ये वार्निंग देते हैं इनको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि कब ठीक है या कभी गलत है, हो सकता है कि कभी ठीक हो और हम यही सोच रहे हैं कि वो गलत है फॉरकास्टिंग। सो गाइस इनको कभी लाइटली नहीं लो, अगर आप क्योंकि ये जब अगर आप लाइटली ले ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता है अगर इन क्योंकि इसके कोई चांसेस नहीं है कि होगा या नहीं होगा, अपने से तो वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कि भाई तैयार हो, अगर इनकेस आ गया तो आपके पास होगा, आपके पास पूरी सेटलमेंट की होगी आपने कि हाँ हमें ये करना है वो करना है, बट लेकिन जब आपको पता है आप जब उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो कि हाँ नहीं होगा, आप यही सोच के चल रहे हो पीछे से हो गया, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो आप कभी इन वार्निंग्स को लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गाइस में द एयर प्रेशर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एयर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं और उसका क्या नाम है, बैरोमीटर। सो गाइस ये जो दोनों मैंने आपको ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ये जो स्पीड ऑफ अगर आप विंड की स्पीड को मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है एनेमोमीटर, ठीक है। सो गाइस ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि ये आएंगे एग्जाम में आपको, ठीक है। सो गाइस इनको याद रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको एयर प्रेशर मेजर करना हो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एयर प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका क्या नाम है, बैरोमीटर। एयर प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर, एयर प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा होता है, बैरोमीटर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ विंड मेजर करने के लिए, विंड की स्पीड मेजर करने के लिए, ठीक है, कि मीन्स हवा किस गति में चल रही है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एनेमोमीटर। टू मेजर स्पीड ऑफ मीट स्पीड ऑफ विंड टू मेजर स्पीड ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट एनेमोमीटर। स्पीड ऑफ विंड करनी हो एनेमोमीटर, एयर प्रेशर करना हो बैरोमीटर, ठीक है। गाइज इन दोनों को अच्छे से कर लेना क्योंकि 100% गारंटी आएंगे पेपर में, ठीक है। सो गाइज आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड गाइज हमारा लेक्चर भी आज यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, फिर गाइज हमारा एक टॉपिक आ जाता है हाई स्पीड विंड्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको पसंद आया होगा, गाइज अगर सच्ची में पसंद आया है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाओगे तभी आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। सो गाइज आप अभी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, बाय गाइज।